हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिनोरिया का एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, उसके बाद हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, यानी इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो उसमें वेल डेवलप नहीं होते। एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए नेफ्रिडिया पाई जाती है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे और फिर उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें पैरासिटिक अडॉप्टेशन क्या क्या होते हैं, यानी जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये कैसा होता है, सेमी पैरासाइट होता है, यानी फुल्ली पैरासाइट नहीं होता, यानी हमेशा जिससे ये भोजन देता है उसके ऊपर हमेशा नहीं रहता है, एक बार उससे ब्लड सक कर लेता है, उसके बाद ये किसी डार्क प्लेस पे चला जाता है। तो ये फुल्ली पैरासाइट नहीं होता, ये सेमी पैरासाइट होता है। तो सेमी पैरासाइट होने के लिए इसके अंदर क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है वो वीडियो के हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, जो कि एकदम सिंपल सी संरचना होती है। इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्ट्रेट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, स्ट्रेट होता है। फिर बात करें इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इसमें आपका माउथ से लेकर के एनस होता है। तो जब जिसमें माउथ से एनस पूरी संरचना होती है, तो हम क्या कहते हैं कि एनस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, ठीक। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे किसमें पाए जाते हैं, या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताएंगे। यानी लीडा में क्या होता है, कंप्लीट पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, माउथ से होगी। सबसे पहले क्या होगा, माउथ होगा। माउथ के बाद क्या होगी, माउथ किसमें खुलता है, जाते हैं बक्कल कैविटी में खुलता है, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स इसका कैसा होता है, मस्कुलर होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को स्टक करने में हेल्प करता है। ऑइसोफेगस होगा, ऑइसोफेगस जो है वो किसमें खुलेगा, क्रॉप में खुलेगा, क्रॉप स्टोमक में खुलेगा। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा, क्रॉप, क्रॉप किसमें खुलेगा, स्टोमक में देखने को मिलेगा। स्टोमक जो है वो इंटेस्टाइन में खुलेगा, तो ये इंटेस्टाइन आपका रेक्टम में खुलेगा। तो इतनी चीजें पाई जाती हैं, और रेक्टम जो है वो एनस के द्वारा बाहर खुलेगा। तो इतनी संरचनाएं इसमें पाई जाती है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये क्या है, क्रम से नाम है। और लगभग यही संरचनाएं जो होती है जिसमें भी एलिमेंट्री कैनाल होता है वो पाई जाती है। एक्स्ट्रा क्या है, इसमें क्रॉप पाया जाता है, क्रॉप भी पाया जाता है, वो देखते हैं और कौन सी संरचना कहाँ पाई जाती है। तो अगर इसके माउथ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से होता है इसका। अगर हम इसका ऊपर का व्यू देखें तो इस तरीके का होता है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर बीच में इसके क्या होता है, माउथ होता है, यानी ऊपर के हिस्से में बीच में माउथ होता है बीच में, और ये माउथ आपका खुलता है फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स जो होता है वो खुलता है ओसोफेगस में। तो यहाँ से पतला सा ओसोफेगस में थोड़ा सा सिंपल सी संरचना होती है, और ये जो मेन इसका फेरिंग्स होता है वो क्या होता है, सेक्टोरियल होता है, यानी ब्लड को सक करने के लिए काफी मस्कुलर होता है फेरिंग्स। ये उसका अपर पार्ट है प्रोस्टोमियम, जिसको हमने कहा कि फास्ट सेगमेंट कहते हैं। प्रोस्टोमियम के नीचे क्या होता है, फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस होता है, और ओसोफेगस के बाद जो होते हैं क्रॉप होते हैं। इनकी संख्या 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो 10 है ये क्या होता है, काफी लंबे होते हैं। यानी हर क्रॉप में आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं एक प्रोजेक्शन निकलता रहता है, और ये प्रोजेक्शन क्रमशः जो होता है बढ़ता रहता है। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं डायवर्टिकुला, डायवर्टिकुला कहते हैं। तो माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओसोफेगस में, और ओसोफेगस जो है वो खुलते हैं क्रॉप में। क्रॉप की संख्या कितनी होती है, 10। ये किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक फैले होते हैं, ये 9 से लेकर के 18 सेगमेंट तक फैले होते हैं। और जो लास्ट वाला क्रॉप होता है उसका जो डायवर्टिकुला होता है वो काफी लंबा होता है, रेक्टम तक फैला होता है। ये क्रॉप किस में खुलते हैं, ये खुलते हैं स्टोमक में, स्टोमक खुलता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन खुलता है रेक्टम में, रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी संरचना होती है, इसमें कोई भी जटिलता नहीं होती।
तो इसकी मैकेनिज्म क्या है फीडिंग की, तो इसका हैबिटेट देखेंगे। तो ये क्या रहता है, पॉन्ड के किनारे पे रहता है कि जहां पर गाय भैंस और दूसरे मवेशी क्या आते हैं पानी पीने के लिए आते हैं। तो ये उनसे क्या करता है, शकर की हेल्प से, इसके पास दो शकर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर शकर, दोनों की हेल्प से ये उनसे क्या होता है चिपक जाता है। और चिपकने के बाद इसमें क्या होते हैं, तीन जौ पाए जाते हैं, तीन जौ पाए जाते हैं। और ये जौ जो होते हैं वाई शेप में अरेंज होता है, एक फेरेंस के ऊपर वाली दीवार पे अरेंज होता है और दो फेरेंस के बगल बगल में होते हैं। तो ये जौ जब ये सर्टोरियल जब ये शकर की हेल्प से उसे चिपक जाता है, तो ये जौ जो होते हैं उसके बाहर आते हैं, प्रोट्रूडेड होते हैं, यानी बाहर आते हैं और बाहर होकर के ये घाव करता है। तो जो घाव बनता है वो वाई शेप बनता है इस तरीके से, या हम कहें इस तरीके से इसका एक घाव बन जाता है वाई शेप। तो वाई शेप का इसका एक घाव बनता है और फिर उसके बाद वहां ब्लड का फ्लो होने लगेगा। आप जानते हैं कि जैसे ही ब्लड क्या होता है एयर के कांटेक्ट में आता है वो जमने लगता है। तो ब्लड को जमने के लिए क्या करता है, इसकी लाल ग्रंथियों में बनता है एंटी कोगुलेंट, और उस एंटी कोगुलेंट का नाम होता है हीरुडिन। तो जैसे मॉस्किटो भी है जब एनिमल को काटता है तो पहले क्या करता है, अपने जो उसके आर्गन होते हैं पियर्सिंग आर्गन वो उनमें धसाता है, धसाने के बाद अपनी लार की एक बूंद डाल देता है, उस लार की बूंद में क्या होता है एंटी कोगुलेंट होता है। अगर बात करें एनाफिलीज की तो उसमें एनाफिलीन होता है, क्यूलस की बात करें तो क्यूलीन होता है, एडीज की बात करें तो एडिलीन होता है, यानी उनके नाम पर ही एंटी कोगुलेंट का नाम रख दिया गया है। तो जैसे जौ से ये काटता है, काटने के बाद क्या होता है उसमें अपनी लार की बूंद मिला देता है, यानी लार ग्रंथियों का सिक्रीशन ही लार की, ये जैसे ही जान धसाता है उसके साथ ही साथ लार ग्रंथियों का सिक्रीशन भी कहाँ चला जाता है, पशु के ब्लड में चला जाता है। और उस लार में क्या होता है हीरुडिन होता है, जो कि ब्लड के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये हीरुडिन नहीं होता तो ब्लड क्या होता जम जाता और ये सक नहीं कर पाता, लेकिन हीरुडिन की वजह से ये कंटिन्यूअस क्या होता है ब्लड को सक करता है। और सक करने के बाद क्या होता है, इस क्रॉप में ब्लड का स्टोरेज होता है, फिर टाइम टू टाइम क्या होता है बूंद बूंद कर करके ब्लड कहाँ आती है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में आती है जहां उनका पाचन होता है और अपच भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें इसलिए ये है कि एक बार ये ब्लड सक कर लेता है फिर डार्क प्लेस पे चला जाता है और वहां महीनों से सालों लग जाते हैं, जी सालों लग जाते हैं एक बार के ब्लड को जो ये सक किया है उसे डाइजेस्ट करने में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स नहीं पाया जाता। तो अगर एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस हम देखें, आज हम खाना खा रहे हैं वो 4 से 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जा रहा है, इसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर एंजाइम पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता। तो जिसकी वजह से क्या होता है ये डार्क प्लेस पे चला जाता है और काफी इसलिए ये सुस्त एनिमल होता है, क्योंकि डाइजेशन इसका धीरे धीरे होता है और इसको साल भर में एक बार या दो बार ही ब्लड सक करने की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड क्या होता है क्रॉप में ही स्टोर रहता है और बूंद बूंद कर करके स्टोमक और इंटेस्टाइन में आता है और उसका डाइजेशन होता रहता है, यानी एक ब्लड बार ये ब्लड सक किया उसको डाइजेस्ट करने में इसको कम से कम 1 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। और ये हमने बताया कि ब्लड सक करता है, जो ब्लड सक करते हैं उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं सैंगी ओरस एनिमल, ये जो ब्लड सेंड करते हैं सैंग्यूओरस मतलब ब्लड सकिंग एनिमल। तो अब आइए इसका अगर हम देखें रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो अगर रिस्पायरेशन देखेंगे तो इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, यानी नम रहनी चाहिए, और इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्किन तक आए होते हैं, यानी स्किन की जो त्वचा होती है सॉरी स्किन मतलब जो त्वचा होती है वहां तक इसके ब्लड वेसल्स फैले होते हैं इस तरीके से। तो डायरेक्ट एयर से क्या होता है ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज कर जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है, यानी जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। इसके लिए अलग से ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कोई आर्गन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी स्किन क्या होनी चाहिए हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि घुली हुई ऑक्सीजन ही क्या जाती है इसके अंदर चली जाती है, इसके इसलिए चली जाती है क्योंकि इसके जो ब्लड वेसल्स होती है स्किन की वो क्या होती है परमिएबल होती है, जैसे परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कोशिका मेम्ब्रेन होती है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है काफी पतली होती है और परमिएबल होती है।
तो जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वो कहाँ चलाता है, इसके अंदर चलाता है, और CO2 इसके बाहर चला जाता है। तो ये इसमें पॉसिबल, ये हम लोगों में पॉसिबल नहीं। हम लोगों का जो ब्लड वेसल है वो परमिएबल नहीं है, इसका जो ब्लड वेसल होता है वो परमिएबल होता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि स्किन को जो है वो मॉइस्ट रखना चाहिए, और मॉइस्ट रखने के लिए ये क्या पाया जाता है, हमने बताया एपिडर्मिस जो सबसे त्वचा की बाहरी लेयर है उस पे क्या पाए जाते हैं, स्लाइम ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो म्यूकस जो है वो स्किन को नम बनाए रखता है, तो अगर ये सूख जाएगा तो निष्पाषण की क्रिया भी स्टॉप हो जाएगी। और फिर बात करें इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, और नेफ्रेडिया इसमें कितने पाए जाते हैं, 17 पेयर पाए जाते हैं, ये आपको याद होगा। तो 6 से लेकर के 22 तक, 6 से लेकर के 22 सेगमेंट तक नेफ्रेडिया पाए जाते हैं, और कितने पाए जाते हैं, 17 पेयर पाए जाते हैं, जो कि नेफ्रेडियोफोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो आइए हम इसमें हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। नेफ्रेडिया का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइए हम देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम देखें तो इसमें किससे किससे मिलकर के बना होता है, फिर देखते हैं फीमेल किससे बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो पहले इसका सेगमेंट हम देख लेते हैं। तो ये है इसका 10वां सेगमेंट, ये है इसका 11वां सेगमेंट, और ये है इसका 12वां सेगमेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो 11 और 12 में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इस 33 सैक की वजह से ये पूरे 22 सेगमेंट तक जाएगा। तो जैसे यहाँ 12 में बनाया है उसी तरीके से पूरे ये सेगमेंट में रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे रहेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 15 जो इसका पाया जाता है वो 33 सैक पाया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है 33 सैक। और ये कितना होता है, ये आपको होता है 12 से लेकर के 22 तक, यानी 11 पेयर सेगमेंट 12 से लेकर के 22 तक होता है, 11 पेयर होता है। तो ये इसकी संरचना देखिए, तो इसकी सिंपल सी संरचना होती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होती, यानी बस ये क्या है, एक लेयर ही है, इस तरीके से एक जर्मिनल लेयर है बस। और यहाँ पर अंदर जो होता है ये सिलोमी जो फ्लूड भरा होता है, तो सिंपल से इसकी संरचना होती है। ये बाहर क्या है, जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर को अगर हम टेस्टिस है तो क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, अगर ओवम है तो क्या कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। तो बाहर क्या होती है, बस स्पर्मेटोगोनियम की एक लेयर होती है, और अंदर क्या होता है, सिलोमी के फ्लूड भरा होता है। तो हमने तो बताया ही था कि इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे भरी होती है, बोट्राइडल टिश्यू से भरी होती है, जगह जगह पर क्या होता है, सिलोम पाए जाते हैं। तो ये टेस्टिस सैक जो है वो सिलोम का ही मॉडिफिकेशन है, यानी सिलोम के कुछ पार्ट के चारों तरफ क्या बन जाता है, ये स्पर्मेटोगोनियम की एक लेयर बन जाती है, यानी एक जर्मिनल लेयर बन जाती है। तो इसी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, टेस्टिस सैक। और ये टेस्टिस सैक आपका जो सेगमेंट 12 से लेकर के सेगमेंट 22 तक इस तरीके से फैला रहता है, यानी इसके बाद 12 के बाद 13 आएगा 14 आएगा, तो हर में क्या होगा, 2 जोड़ी आपको टेस्टिस सैक देखने को मिलेगा। अब ये टेस्टिस सैक जो होते हैं ये वासा डिफरेंसिया, ये टेस्टिस सैक जो है वो वासा डिफरेंसिया के द्वारा, वासा डिफरेंसिया के द्वारा आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस सैक वासा डिफरेंसिया के द्वारा किस में खुल रहे हैं, वासा डिफरेंस में खुल रहे हैं। और वासा डिफरेंस जो होती है वो आकर के सेगमेंट नंबर 10 पे काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, सॉरी ईपीडीडाइमिस कहते हैं, ईपीडीडाइमिस कहते हैं। और ईपीडीडाइमिस से फिर एक पतली सी नलिका निकलती है जिसको हम नाम देते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट, और फिर इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है खुलती है किसमें, एट्रियम में खुलती है। इस एट्रियम के 2 पार्ट होते हैं, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं पेनिस सैक कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्रोस्टेट। इस तरीके से इसके 2 भाग होते हैं, प्रोस्टेट रीजन कहते हैं इसको,
या प्रोस्टेट चैम्बर भी कहते हैं, प्रोस्टेट चैम्बर। तो प्रोस्टेट चैम्बर और पेनिस सैक, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एट्रियम बनाते हैं। यानी एट्रियम को ही हम क्या कहते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्रोस्टेट चैम्बर और पेनिस सैक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा आ गया? टेस्टिस सैक, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस, ईपी डिडाइमिस। ईपी डिडाइमिस कुछ में खुलेगा, ये चौथा खुलेगा इजाकुलेटरी, चौथा या पांचवें नंबर पे क्या आएगा? इजाकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। फिर इजाकुलेटरी डक्ट जो किस में खुलेगा? एट्रियम में खुलेगा। और एट्रियम आप देख रहे हैं किसके द्वारा? मेल जेनाइटल पोर के द्वारा कहाँ खुलेगा? बाहर खुलेगा। तो हमने बताया था कि जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो कहाँ होता है? सेगमेंट 10 पे होता है, यानी इसके द्वारा क्या होंगे? स्पर्म बाहर आएंगे। ये हो गया आपका मेल जेनाइटल पोर। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। देखिए होता क्या है कि हमने बताया था चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टीज हो, दोनों की जो बाहर की लेयर होती है वो जर्मिनल लेयर होती है। स्पर्म यानी टेस्टीज के केस में उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और ओवरी के केस में कहते हैं ऊगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं। स्पर्म वासा डिफरेंसिया के थ्रू कहाँ आएंगे? वास डिफरेंस में आएंगे। फिर उसके बाद कहाँ आएंगे? ईपी डिडाइमिस में आते हैं, जहां कुछ समय के लिए स्टोरेज रहता है और यहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है। उसके बाद ये आएंगे प्रोस्टेट चैम्बर में आएंगे। प्रोस्टेट चैम्बर में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और उनके सिक्रीशन की वजह से जो स्पर्म होते हैं ये सभी स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद बनाते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बनाते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या है? ग्लूट स्पर्म है। यानी सभी स्पर्म क्या होते हैं? आपस में चिपक जाती है, यानी स्पर्म का एक बंडल बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और फिर इस पेनिस सैक के अंदर क्या होता है? पेनिस पाया जाता है, और उस पेनिस की सहायता से ये जो मेल है वो फीमेल के अंदर अपना स्पर्मेटोफोर जो है वो इंजेक्ट कर देता है। पेनिस और वेजाइना दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समतुल्य आर्गन होते हैं। पेनिस क्या होता है? स्पर्म को मेल से फीमेल में भेजता है, जिसको कहा जाता है इजाकुलेशन। ये हर के लिए लागू, केवल इसी के लिए नहीं, हर के लिए लागू है। ठीक, इजाकुलेशन का मतलब क्या होता है कि पेनिस के द्वारा स्पर्म का बाहर निकलना, क्या कहलाता है? इजाकुलेशन। इजाकुलेट मतलब किसी चीज को बाहर निकलना। और वेजाइना क्या काम करती है? वो स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है, यानी पेनिस स्पर्म को भेजने का काम करता है और वेजाइना उसे रिसीव करने का काम करती है। तो वेजाइना के द्वारा स्पर्म का रिसीव करना कहलाता है इनसेमिनेशन कहलाता है। तो ये दोनों टर्म ह्यूमन के लिए भी लागू होते हैं, हर इंडिविजुअल के लिए लागू होते हैं, इजाकुलेशन और इनसेमिनेशन। इजाकुलेशन मेल में होता है, इनसेमिनेशन फीमेल में होता है, लेकिन दोनों किससे रिलेटेड है? स्पर्म से रिलेटेड है। यानी जो काम, यानी वेजाइना और पेनिस दोनों क्या होते हैं? स्पर्म को लेने देने के लिए होते हैं, एक समतुल्य आर्गन होते हैं। तो पेनिस के द्वारा क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं या इजाकुलेट कर दिए जाते हैं। अब फीमेल का देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो मेल का आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 10 से शुरू हो करके पूरा कहाँ तक जाएगा? 22 तक जाएगा। टेस्टिस सैक जो भी कहाँ पाए जाते हैं? 22 तक पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल का देखेंगे तो 10 और 11 में ही कंप्लीट हो जाएंगे, या 10 ही ना कहें, हम केवल कहें हाँ 11 और 12 में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 11 12 में कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो इसके पास क्या होती है? दो ओरी होती है जिससे क्या निकलता है? ओवी डक्ट। दो ओरी सैक होती है जिनके अंदर क्या होता है? ओरी होती है, ओवी सैक। इस ओवी सैक के अंदर ही क्या है? ओरी। तो ओरी की संख्या कितनी है? दो है। और ये किस सेगमेंट में है पूछा जाए तो 11वें सेगमेंट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनसे क्या निकल रहा है? ओवी डक्ट निकल रहा है, ओवी डक्ट निकल रहा है। ओवी डक्ट आपस में दोनों ओवी डक्ट फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? एक कॉमन ओवी डक्ट बनाते हैं।
कॉमन ओविडक्ट बना देंगे ये। और कॉमन ओविडक्ट का निचला पार्ट क्या होता है, स्वेल होकर के क्या बनाता है, वेजाइना। और जहां पर दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज करते हैं वहां पर एक ग्लैंड हम देख रहे हैं, ये जो उनके ज्वाइंट पर ये जो ग्लैंड है इसको हम नाम देते हैं एल्बुमिन ग्लैंड। एल्बुमिन ग्लैंड किस चीज के लिए होता है, नरिशमेंट के लिए। एल्बुमिन ग्लैंड पाया जाता है। अब आइए हम प्रोसेस समझ लेते हैं। तो फीमेल में क्या है, दो ओरी है, ओरी से क्या निकलता है, ओविडक्ट निकलता है। ओविडक्ट आपस में ज्वाइंट होकर के क्या बना लेते हैं, कॉमन ओविडक्ट। और ओविडक्ट का ही निचला भाग क्या होता है, स्वेल होता है, स्वेलिंग होती है या फूला हुआ होता है, या हम कहें ओविडक्ट का पिछला भाग क्या कहलाता है, वेजाइना कहलाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है और वेजाइना होती है। यूट्रस नहीं होता है क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, ककून के अंदर होगा, यानी इसकी बॉडी में ना होकर के ककून का निर्माण होगा, उस ककून के निर्माण के अंदर डेवलपमेंट होगा, इसलिए यूट्रस नहीं पाया जाता। तो अब होता क्या है कि मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, एक वेंट्रल सर्फेस के थ्रू एक दूसरे के ऊपर आते हैं, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और इस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, अब देखिए ये एनिमल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, तो इस तरीके से इसमें क्या होना चाहिए था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन न हो करके क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ये इसका पोर क्या है, 10 पे है और इसका पोर 11 पे है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और दोनों ही एनिमल क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक अंडे देते हैं, फर्टिलाइज एक को बाहर निकलते, कैसे, तो ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट है तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन क्रॉस होता है। और कैसा होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर। तो अब ये दोनों दो इसमें क्या होंगे, दो कॉन्टेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, लेकिन मेल फीमेल तो इसमें है ही नहीं क्योंकि दोनों ही क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन दो अर्थ सॉरी दो लीच हम कहें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे। और इस तरीके से आएंगे, जैसे मान लीजिए एक लीच ये है और एक ही लीच ये वेंट्रल सर्फेस के थ्रू एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उल्टा आएंगे। अगर एक का माउथ इधर है तो दूसरे का क्या होगा, एक का एनस इधर होगा इस तरीके से। अगर इसका माउथ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, इसका एनस होगा। उसी तरीके से यहाँ इसका एनस है तो यहाँ इसका माउथ होगा। तो इससे होता क्या है, अगर इसका ये 10वां सेगमेंट है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 11वां सेगमेंट, और इसका 11वां सेगमेंट है तो इसका क्या होगा, 10वां सेगमेंट होगा। यानी इसका क्या हो गया, ये 10वां सेगमेंट है और इसका ये 11वां सेगमेंट है, ये इसका 11वां सेगमेंट है, ये इसका 10वां सेगमेंट है। यानी अब इस तरीके से आने का फायदा ये हुआ कि इनके मेल और फीमेल जेनाइटल पोर क्या हो गए, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो 10वें में हम जानते हैं क्या होता है, 10वें पे जैसे कि देख रहे हैं, 10वें पे कौन है, मेल जेनाइटल पोर है, और 11वें पे क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर है, यानी वेजाइना होती है, ओविडक्ट होता है, और ओविडक्ट जो बाहर किसके थ्रू खुलता है, वो आपका खुलता है फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू खुलता है। अब ये क्या होगा कि यहाँ समझते हैं, तो ये 10वां है और इस 10वें पे हमारा क्या है, मेल जेनाइटल पोर है, और 11वें पे क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर है। अब मेल जेनाइटल पोर से यहाँ क्या आएगा, स्पर्मेटोथीका आएगा, और इस अब दोनों क्या करेंगे, एक साथ ही अपने अपने स्पर्मेटोफोर मेल जेनाइटल पोर से इंजेक्ट कर देंगे फीमेल जेनाइटल पोर में। यानी ये जो लीच है ये इसका मेल जेनाइटल पोर है और ये इसके फीमेल जेनाइटल पोर में, यानी इसके अंदर क्या कर देगा, अपना स्पर्मेटोफोर इंजेक्ट कर देगा। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, ये अपना ये वाला लीच इसके अंदर करेगा, ये लीच अपना क्या कर देगा, इसके अंदर कर देगा, यानी इसका स्पर्मेटोफोर आकर के इसके ओवरी के साथ फर्टिलाइज करेगा, और इसका स्पर्मेटोफोर जो जाकर के इसके अंदर जाकर के इसकी ओवरी को फर्टिलाइज करेगा, सॉरी इसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, यानी आपस में फर्टिलाइजेशन, इनके स्पर्म और ओवम, इसके अंदर ओवम भी बन रहा है और इसके अंदर स्पर्म भी बन रहा है, लेकिन आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, मान लीजिए इसका ये जो 10वां है, 10वें पे क्या है, मेल जेनाइटल पोर है,
अब इसके मेल जेनाइटल पोर से दूसरे के दूसरा जो लीच होगा उसके फीमेल जेनाइटल पोर में क्या चला जाएगा, स्पर्मेटोफोर चला जाएगा। स्पर्मेटोफोर क्या है, ग्लूड स्पर्म है। और फिर उसके बाद ये ओविडक्ट से होते हुए कहाँ चले आएंगे, वेजाइना में चले आएंगे। और वेजाइना के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और फर्टिलाइज एक कहाँ बन जाएंगे, वेजाइना के अंदर बन जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जनरली हम कहाँ याद करते हैं कि ओविडक्ट में होता है, लेकिन इसमें ओविडक्ट में ना होकर के कहाँ हो जा रहा है, वेजाइना के अंदर हो रहा है। तो वेजाइना के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और फर्टिलाइज एक बन जाएंगे। अब जैसा कि यूट्रस तो इसमें है नहीं, तो डेवलपमेंट कहाँ होता है, ककून के अंदर होता है। तो जब हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता रहे थे तब तो हमने बताया था कि जो इसका रीजन होता है सेगमेंट 9, 10 और 11, इनमें ग्लैंड पाई जाती है, क्लाइटेरस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ककून का निर्माण करती है। अब जैसे इसकी बॉडी है अर्थवर्म की ये बॉडी है, तो इसका जो 9वां सेगमेंट होगा, 10वां सेगमेंट होगा और 11वां सेगमेंट होगा, इनके सिक्रीशन से क्या होगा कि इसके चारों तरफ जो है वो ककून का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर बाहर से देखेंगे इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये ककून हमें देखने को मिलेगा। और हमने बताया था ये 9-10 रीजन में 2 प्रकार, एक तो वो ग्लैंड होती है जो ककून का निर्माण करती है, और साथ ही साथ यही पर क्या पाई जाती है, एल्बुमिन ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि एल्बुमिन का सिक्रीशन करती है। तो इस ककून के अंदर क्या होगा, एल्बुमिन भी जमा हो जाएगा, ताकि जो अब एक इसके अंदर आए तो उसको नरिशमेंट के लिए भी क्या मिले, पोषण मिले। तो इस तरीके से अगर इसकी कटिंग करते हैं तो हमको, अगर बाहर से देखते हैं तो बाहर से तो केवल ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा आपको, लेकिन जब इसकी कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना हमको दिखाई देगी। यानी बीच में क्या भरा होगा, एल्बुमिन भरा होगा इसके नरिशमेंट के लिए। इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में पार्ट करके देखेंगे, ठीक है ना, एक परत हटा देंगे तो बीच वाला पोर्शन हमको दिखेगा। और फिर इसके ऊपर क्या भरा होगा, इसके ऊपर क्या होगा, ककून की लेयर होगी। इस तरीके से बाहर तो ऐसे दिखाई देगा, तो इसका हम एक सेक्शन काटते हैं, जैसे अमरूद आप काटते हैं तो उसके अंदर का बीज दिखाई देता है, उसके अंदर का भाग दिखाई देता है। ऐसे ही काटेंगे तो दो फाल में इसको काटेंगे तो इसके अंदर का हमें भाग दिखाई देगा। तो सबसे बाहर जो होती है वो ककून की लेयर होती है, और फिर इसके अंदर क्या भरा होता है, एल्बुमिन भरा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर ककून भरेगा। अब ये 11वें सेगमेंट में क्या है, आपका फीमेल जेनाइटल पोर है, तो फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू क्या कर देगा, ये जो लीच है वो अपने एग को क्या कर देगा, इसमें रिलीज कर देगा। पहले शुरुआत में जब ये ककून बनता है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा। अब लेकिन ये इसके शरीर के ऊपर तो ऐसे लगा नहीं रहेगा, अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी ये इसके शरीर से पूरा चिपका नहीं रहता। जैसे रिंग है इसके ऊपर, तो ये रिंग की वजह से अब ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने पूरे शरीर को बाहर इससे निकालता है। यानी इस तरीके से ककून रहेगा, और ककून से क्या करेगा, पहले तो बाहर सिक्रीट करेगा एक गोला, ऐसे इस तरीके से ककून बन जाएगा। अब इस ककून से ये क्या करेगा, अपने शरीर को धीरे धीरे इस तरीके से बाहर निकालेगा। तो जब बाहर निकालेगा आप देखिए अपने शरीर को, तो यहाँ पर ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो टूटने के लिए, टूटे ना इसलिए क्या होता है, इसका सबसे आगे वाला जो सेगमेंट होता है वो प्रोस्टोमियम होता है। और हमने बताया था प्रोस्टोमियम के अंदर ही प्रोस्टोमियम ग्लैंड पाई जाती है, और ये प्रोस्टोमियम ग्लैंड क्या कर देती है, इसको फिल कर देती है। यानी जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यानी इस तरीके से मान लीजिए ये यहाँ तक पहुंच गया, इसके सेगमेंट को हम बड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से मत बनाइएगा, पहले आप दूसरा बनाइएगा फिर उसके बाद तीसरा बनाइएगा, ये दिखाने के लिए कि अब ये ककून से निकलते निकलते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आप एक यहाँ पर एक प्लग बन जाएगा, ये प्लग किसका बना होगा, प्रोस्टोमियम ग्लैंड के सिक्रीशन का ये प्लग बना होगा इस तरीके से।
और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसी तरीके से ये बाहर आ जाएगा। ये क्या जाएगा, पूरे कोकून से बाहर आ जाएगा। इसको हम या तो फिर से बना दे रहे हैं दिखाने के लिए आपको। ठीक, ये एल्बोमिन की लेयर भरी हुई है। एल्बोमिन लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके ऊपर क्या है, ये ककून है। और ये एनिमल क्या हो गया, छोड़ करके धीरे धीरे इसके बाहर आ गया है इस तरीके से। तो अब यहाँ से जब बाहर आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी एक ककून का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। ये धीरे धीरे से इसको छोड़कर कहाँ आ रहा है, बाहर। और जब बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बन गया है, एक प्लग बन गया है इस तरीके से। तो फिर कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ से भी छोड़ करके चला जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक प्लग बन जाएगा। ये क्या होगा, ककून हो गया। ककून के अंदर क्या है, एक है, एक का एल्बुमिन के द्वारा नरिशमेंट होगा। और कुछ समय बाद फिर क्या हो जाएगा, इनसे जुवेनाइल का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस होने में, ये नए और प्रॉपर डेवलप होने में लगभग 14 दिन लग जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर किस सेगमेंट में होते हैं, इसके अलावा ओवरी किस सेगमेंट में होता है, टेस्टिस सैक किस सेगमेंट से सेगमेंट तक फैला होता है, एट्रियम किस सेगमेंट में होता है। यहाँ आपको सेगमेंट का नाम याद रखना है। और फिर स्पर्म का जो होता है मूवमेंट कैसा होता है, जो कि हमने बताया टेस्टिस सैक में आता है, वाफा डिफरेंसिया में, फिर वाफ डिफरेंस में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ईपीडीडाइमिस में जाएगा, ईपीडीडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ चला जाएगा, एट्रियम के अंदर, एट्रियम से फिर कहाँ आ जाएगा, जाएगा ये प्रोस्टेट चैम्बर में, प्रोस्टेट चैम्बर से पेनिस सैक में आएगा, पेनिस सैक में क्या होता है, पेनिस होता है। और पेनिस के द्वारा इसको किस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फीमेल की वेजाइना में। फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या होगा, फीमेल के वजाइना के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी से यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ओवम। और ओवम और स्पर्म मिलकर के क्या बना लेंगे, फर्टिलाइज एक बना लेंगे। फर्टिलाइज एक फिर क्या होता है, 11वें सेगमेंट पे आपका क्या होता है, फीमेल जेनाइटल पोर होता है। और ये फीमेल जेनाइटल पोर की वजह से, फीमेल जेनाइटल पोर से ये जो एक कहाँ आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ, इसके बाहर ही क्या होती है, ककून की लेयर होती है, उस ककून के अंदर आ जाएंगे। और फिर यह एनिमल यानी कि लीच अपने आप को ककून से बाहर खींच लेता है। और प्रोस्टोमियम ग्लैंड के सिक्रीशन से यहाँ पर दो प्लग बन जाते हैं। ठीक, प्लग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PLUG। ठीक, दो प्लग का सिक्रीशन हो जाएगा। तो प्लग बनाने का काम कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्टोमियम ग्लैंड के सिक्रीशन से प्लग का निर्माण होता है। और क्लाइटेलम कौन कौन से रीजन में बना होता है, तो क्लाइटेलम हमने बताया 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 सेगमेंट मिलकर के क्या करते हैं, क्लाइटेलम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लाइटेलम कुछ नहीं है, क्लाइटेलम मतलब ये 3 सेगमेंट के जो बॉडी वॉल्स होते हैं वहां पर ग्लैंड क्या होती है, प्रचुर मात्रा में बन जाती है। और प्रचुर मात्रा में बनने की वजह से अब ये रीजन क्या करता है, ककून का निर्माण करता है। इसमें ये क्लाइटेलम का जो रीजन बनता है वो टेम्पररी होता है, यानी केवल ब्रीडिंग सीजन में बनता है। बाकी इसके अलावा देखें, जोक में देखें तो क्लाइटेलम रीजन हमेशा के लिए होता है, लेकिन हिरुडेनेरिया में क्लाइटेलम क्या होता है, टेम्पररी होता है। यानी इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें दो ग्लैंड होती है, एक क्लाइटोरस ग्लैंड हमने बताया था और एक एल्बुमिन ग्लैंड बताया था। तो ये दोनों बस कुछ ही समय के लिए फॉर्म में होती है, यानी जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तभी ये दोनों ग्लैंड एक्टिव रहती है। बाकी बात करें कि जोक में तो वो हमेशा एक्टिव रहती है, यानी क्लाइटेलम उसमें क्या होता है, परमानेंट होता है। और इसमें क्या होता है, क्लाइटेलम जो होता है वो टेम्पररी होता है। इसी के बेसिस पे आगे हम जब वो पढ़ेंगे एनिलिडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी अब हमने एनिलिडा का एक मेंबर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एनिलिडा का जनरल करेक्टर भी समझ में आ जाएगा कि इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, इनमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें में आपको समझ में आ जाएगी। फिर से क्लासिफिकेशन का बेस क्या है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसका जनरल करेक्टर देखेंगे। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें ये पैरासाइट है, तो कोई भी पैरासाइट होता है तो उसको पैरासिटिक कुछ एडाप्टेशन होते हैं।
यानी हम जिस माहौल के अनुसार ढल जाते हैं, इसलिए ढल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर उसकी रिलेटिव कुछ अडेप्टेशन होते हैं। अब पैरासाइट होने के लिए इसमें क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं, ये उसको देख लेते हैं। पहले तो अडेप्टेशन में इसका हैबिटेट ही आता है, तो ये ऐसे पॉन्ड के किनारे रहता है जहां पर क्या होते हैं, ये मवेशी आते रहते हैं पानी पीने के लिए। तो इसका हैबिटेट भी क्या है, एक पैरासिटिक अडेप्टेशन ही है। अगर दूसरा देखें तो इसमें हमने बताया कि शकर पाया जा रहा है, जौ पाई जा रही है, शकर है, जौ है, सेक्टोरियल फेरिंग्स है। सेक्टोरियल फेरिंग्स मतलब स्टक करने के लिए फेरिंग। इसके अलावा ये बिना बाधा के स्टक कर सके, इसके अंदर क्या बता हीरोडीन का निर्माण हो रहा है। स्टैसियस क्रॉप पाया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या कर सके, स्टोर कर सके। स्टैसियस मतलब जिसमें ज्यादा स्पेस हो, स्पेसियस क्रॉप पाया जा रहा है। स्लो डाइजेशन हो रहा है इसके में, ठीक, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा तो इसको कोई पैरासाइट मिलेगा नहीं, तो हमेशा यानी एक ही बार से दो ही बार से इसका काम चल सके, इसके लिए इसमें क्या हो रहा है, स्लो डाइजेशन भी हो रहा है। हर्माफ्रोडाइटिज्म इसमें पाया जाता है, हर्माफ्रोडाइटिज्म पाया जाता है। अब इससे फायदा क्या है, अब जैसे जिन एनिमल में दोनों है कि एक मेल है एक फीमेल है, तो केवल फीमेल ही अंडे देने का काम करेगी, यानी जो उससे इंडिविजुअल बनेंगे, मानो वो अगर 6 से 7 अंडे दे रही है तो 6 से 7 इंडिविजुअल बनेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर एक का निर्माण हो रहा है, यानी दोनों बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होंगे तो उनके सर्वाइवल का चांस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने बताया जितने लोअर एनिमल होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस उतने ही कम होते हैं, तो कोई भी उनका इंडिविजुअल सरवाइव कर सके, उनकी स्पीसीज आगे कंटिन्यू हो सके, इसके लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी सरवाइव कर सके, इसकी स्पीसीज इसकी जनरेशन आगे बढ़ सके। तो इसमें क्या पाया जाता है, हर्माफ्रोडाइटिज्म पाया जाता है। इसका ये फायदा क्या है कि दोनों एनिमल बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि केवल फीमेल बच्चे पैदा करेगी, मतलब एक ही इंडिविजुअल के द्वारा, तो रेट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एनिमल बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हीरोडिनेरिया यानी लीच का जनरल करेक्टर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनिलिडा का जनरल करेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।